हाय एवरीबॉडी, मैं हूं लोकेश और आप देख रहे हैं लोकेश मैथमेटिका। सो आज हम एक सरप्राइज है आप सबके लिए, हम शुरू करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन आईडी फाउंडेशन सीरीज एनएमएस एंड एनटीएस ओलंपियाड्स एंड केवीपीआई किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ये सबके लिए जो मैथमेटिक्स चाहिए आपको वो सब ये कोर्स में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आज उसका पहला क्लास है। ये सीरीज में हर दिन एक क्लास होगा और कुछ सवाल आपके लिए होंगे और हर चैप्टर खत्म होने के बाद एक ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो चलिए आज पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं। रियल नंबर, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। और नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ये जो रियल नंबर को शुरू करने से पहले नीचे से जाएंगे। फर्स्ट वन नेचुरल नंबर का नोटेशन क्या है? कैपिटल एन, ये है नेचुरल नंबर सेट, ठीक है। कौन सा नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं? 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा, दीज आर ऑल नेचुरल नंबर्स, ओके। नेक्स्ट सेकेंड वन होल नंबर्स। होल नंबर्स का नोटेशन क्या है? W, कैपिटल W। कौन सा नंबर को होल नंबर बोलते हैं? ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ये हो गया आपका होल नंबर्स, राइट। देन इंटीजर्स, इसको डिनोट करते हैं जेड लेटर से, कैपिटल जेड, ओके। आगे समझ में? कौन सा नंबर्स इसमें जाएंगे? 1, 2, 3, 4 ये सब जो होल नंबर्स थे, और इसके साथ -1, -2, -3 डॉट डॉट, और यू मे राइट लाइक दिस 0, ±1, ±2, ±3 डॉट डॉट डॉट, दीज आर ऑल योर इंटीजर्स, ओके। ये नेचुरल नंबर और होल नंबर को छोड़िए, ये इंटीजर को थोड़ा हम डीप से पढ़ना शुरू करेंगे। इंटीजर्स, ओके। सो कुछ चीज ऑब्जर्व कीजिए, कौन सा इंटीजर्स हैं? 0, ±1, ±2, ±3 डॉट डॉट। कुछ ऑब्जर्वेशन यहां करेंगे हम। नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ जेड, है कि नहीं? ये क्या है? यह है सबसेट। सबसेट मतलब ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंक्लूडेड इनसाइड द इंटीजर्स। सिमिलरली ऑल द होल नंबर्स इज ए सबसेट ऑफ जेड, है कि नहीं? ऑल द होल नंबर्स आर इंक्लूडेड इनसाइड द इंटीजर्स, ओके। 0 इज ए होल नंबर इंक्लूडेड इनसाइड द इंटीजर, +1 इज ए होल नंबर इंक्लूडेड इनसाइड द इंटीजर्स, राइट। बट इंटीजर इज नॉट ए सबसेट ऑफ होल नंबर, और इंटीजर इज नॉट ए सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। आगे समझ में? ये एक ऑब्जर्वेशन था। अभी कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज ए पॉजिटिव इंटीजर, है कि नहीं? यस। सिमिलरली द सेकेंड वन, प्रोडक्ट ऑफ वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर इज ए नेगेटिव इंटीजर, है कि नहीं? जैसे एग्जाम्पल, -4 × 3 will be equal to -12, negative equal to negative, but here you may give an example, 4 × 3 is equal to 12, positive × positive is equal to positive, but the product of third observation or third property, the product of two negative integers इज पॉजिटिव और इज ए पॉजिटिव इंटीजर,
इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स यू विल गेट अ पॉजिटिव इंटीजर. एग्जाम्पल माइनस थ्री इंटू माइनस फोर विल बी इक्वल टू प्लस ट्वेल्व नॉट माइनस ट्वेल्व. ओके एंड दोज प्रॉपर्टीज आर क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और दैट कम्युटेटिव प्रॉपर्टी, यू आर वेल एक्वाइंटेड विद दिस फ्रॉम योर बुक, राइट. सो मैं उसे नहीं जा रहा हूं. तो ये हो गया आपका कुछ प्रॉपर्टीज. सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ माइनस टू, व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ माइनस टू, माइनस वन, वेरी गुड. हियर इट विल बी नॉट बी माइनस थ्री बिकॉज माइनस थ्री इज लेस देन माइनस टू. सो सक्सेसर मीन्स व्हाट, द नियरेस्ट बिगर, राइट. सो इट इज माइनस वन. ओके व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ माइनस फाइव, it will be minus 6, something different from the something different from the natural numbers, right. So it is about the successor and predecessor. Okay, now come to fractions. What are fractions? Fractions are a part of a whole, right. So these are of the form p by q, where q is not equal to 0, right. In the form of p by q, we can write any fraction in the form of p by q, q must not be equal to 0, it is the condition. Okay, so this fraction is similar to your rational numbers. First one is your natural number, then whole number, then integers, then rational number. Rational number is denoted by the letter capital Q. By the letter capital Q. Okay. So what is the definition? It has the definition same as that of the fractions. How? The numbers will read this something much. Okay. The numbers which can be written in the form p by q, where q is not equal to 0, are called rational numbers. Rational numbers. Okay, example 2 by 3, 3, minus 7 by 8, 4, these are all rational numbers. It can be written in the form of p by q, where q is equal to 3, which is not equal to 0. So it is a rational number. It can be written in the form of 3 by 1. So q is not equal to 0, 1 is not equal to 0. That's why it is a rational number. Similarly, this also. So these are all rational numbers, right? And you may have a observation that natural number is a subset of whole number, which is in turn a subset of integer, which is in turn a subset of rational number. It is your observation. Am I right? Yes. Okay, very good. So next. Okay, written. Then decimal expansion is most important. Decimal expansion of rational numbers included in the syllabus of class 9th half and class 10th half, right. So decimal expansion of rational numbers. What do you mean by decimal expansion? Suppose let me find the decimal expansion of a rational number like this. 10 by, suppose 2 by 5. How can you find the decimal expansion? 2 divided by 5. Okay, first 0, 0, 2, 0, 4, 20. So our answer is 0.4. It is called your decimal expansion, right. Okay, very good. So similarly, I can find the decimal expansion of 10 by 3. So 10 divided by 3, 3, 9, 1.0, 3, again 9. So 1, again 3, dot, dot, dot. So it will continue up to infinity. It will continue infinity. Continue to infinity, right. So
if you want to indicate these two types of expansions in the two expansion, these are two different type of expansion, right? These are not the same types of expansion. What is the difference between them? The first one is terminated after one decimal place, right? So it may be written terminating. So this type of decimal expansion is terminating decimal expansion, and this is non-terminating. Not only non-terminating, but also repeating. It has terminating decimal expansion and it has non-terminating repeating decimal expansion. We have a other type of decimal expansion like this. You see, suppose I want to find the decimal expansion of root 2. Root 2. So how can you find? To find this, you should know first how to find the square root of a number. Okay, 1 into 1 equal to 1 point. After point there will be double zero, right? So double of this 2, 4, 96, again 4, double zero. Okay, it will be 281. So it is 119, again double zero. Okay, so it will 414 dot dot dot. And you want to surprise that this will not repeat. 4 means after 4 there will be not 1. No 1 will be repeated. This is not repeating. Okay, non-terminating, non-repeating. So we have got three types of decimal expansion. First one is terminating, second one is non-terminating repeating, and third one is non-terminating non-repeating. So can you write now like this? These are just like your notes which will help you for all the exams. So write it. So rational numbers, so decimal expansion of rational numbers, so decimal expansion, okay, decimal expansion can be of three types. First one is, what is that? Terminating, very good. Second one is non-terminating and repeating, and last one is non-terminating, very good, non-terminating, non-repeating. Okay, these first two types of decimal expansion, terminating and non-terminating repeating, these are called rational numbers. Means all the rational numbers have two types of decimal expansion. One is terminating and the second one is non-terminating repeating, right? And that, what is the third one? It is not a rational number. That means these are irrational numbers. So if a number has non-terminating, non-repeating decimal expansion, it must be a irrational number. What is irrational number will be studied later on. Okay. So these are the three types of decimal expansion. We will go deep into it. Not an issue. Okay. Clear about decimal expansion? Yes. Very good. So next, let us find something more decimal expansion. Suppose 2/3. Find yourself, do yourself. 0, 2, 6, it is 18, again 2, 26, 18, again 2, 26, 18, again 2. So it will continue. 0.666 dot dot dot, it is also called 0.6 bar. It is called, you see here, it is called 0.6 bar. Okay, we may write it like this, 0.6 dot. This means also bar. Okay, we may write like this or like this. Okay, is there any issue? Very good. So it is all about your decimal expansion. Okay, clear. So now our next issue,
कितने मिनट ला। सो नाउ हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल एक्सपेंशन टू फ्रैक्शन। ओके, ए डेसिमल एक्सपेंशन नंबर विल बी गिवन टू यू एंड यू हैव टू कन्वर्ट इन टू फ्रैक्शन, बिकॉज यू कैन कन्वर्ट फ्रैक्शन इन टू डेसिमल, राइट, बाय जस्ट डिवाइडिंग वेरी सिंपली। देन हाउ कैन यू डिवाइड, हाउ कैन यू कन्वर्ट द डेसिमल एक्सपेंशन टू ए फ्रैक्शनल नंबर। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। सपोज एक्सप्रेस 1.23 इन पी बाय क्यू फॉर्म। इट इज अ वेरी सिंपल वन, बिकॉज 1/23 इज इक्वल टू जस्ट एवॉइड द डेसिमल, ओके, राइट इट लाइक दिस 1, 2, 3 बाय 1, एंड हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर द डेसिमल प्लेसेस, 2, सो जस्ट पुट 2 जीरोज, ओके, इट इज योर आंसर। बट व्हाट इज आवर इशू एक्चुअली इज दैट वी हैव टू एक्सप्रेस द नॉन रिकरिंग नंबर्स, ओके, सॉरी द रिकरिंग नंबर्स 1.23 बार इन पी बाय क्यू फॉर्म। हाउ कैन यू कन्वर्ट 1/23 बार, 1/23 बार मीन्स व्हाट, 1/23.23232323 एटसेट्रा, सो हाउ कैन यू कन्वर्ट इन टू पी बाय क्यू फॉर्म। ओके, सो आंसर लेट x इक्वल टू 1/23 बार, ओके, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 1.23233 .. ओके, सो दैट इंप्लाइज व्हाट इज 10x देन, व्हाट इज 10x देन 12.32323 .. राइट, व्हाट इज 100x, यस वेरी गुड 123.2323 .. ओके क्लियर। नाउ यू सी 100x एंड x आफ्टर द डेसिमल प्लेसेस दे हैव द सेम डिजिट्स, यस और नो, सो दीज टू मे बी कैंसल्ड। ओके, सो व्हाट विल आई डू, 100x माइनस x विल बी इक्वल टू 123.2323 .. माइनस 1.2323 .. सो दैट इंप्लाइज 99x विल बी इक्वल टू 122, कैन आई, वेरी गुड, सो x इक्वल टू 122/99, सो इट इज योर आंसर। ओके क्लियर, बट वी कैन हैव सो मच टाइम, वी विल नॉट हैव सो मच टाइम टू आंसर, बिकॉज वी हैव टू आंसर इन द एग्जाम्स विद इन ए fraction of minute, right? So we don't have so much time to do all this. We have a separate way. You see, how can you write 1.23 bar will be equal to directly 123 minus 1. Okay, 123 minus 1, understood? Yes. What will be in the denominator? That is our issue. What will be in the denominator is that how many digits have bar? Two digits. That much 9. Okay. After the decimal places, how many have not bar? Zero. No. So this is our answer. Equal to 122/99. Let us do another problem so that it will be much more clear. Now we will directly use this procedure. Okay. Very easy it will be. Suppose we have to find 0.225 bar. What is the value of 0.225 bar? So what is our answer? 225 minus 2. Okay. By how many digits have bar? 2. So that much 9. How many have not bar after decimal? 1. That much 0. So it will be 223/990 is our answer. Okay, you may do it in mouth also, right? Yes. Without any calculation, yes or no? Let me try another one. Suppose 12.05 bar. What will be 12.05 bar? 1205 minus 12. Right? Yes. By 99. Okay, this is the answer. So this is equal to 1193/99 is the answer. Very clear? Yes.
So very easy. So this was all about your different types of numbers. What do you have studied? Natural number, whole numbers, integers, fractions and rational numbers. Okay, and how to convert rational number into decimals and decimal expansion into rational numbers within a fraction of second, right? So these are very important question and frequently asked in all the exams. So if you have any doubt, then ask me in the comment section. Okay, so this one for today. In the following classes, we will go for different properties of rational numbers and irrational numbers and groups. Okay, so thank you. Bye bye. Have a nice day.